नमस्कार, आरजे क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। बात करते हैं आज राजस्थान के प्रमुख लोक गायक। कई बार परीक्षाओं में प्रमुख लोक गायकों के बारे में पूछा गया है, इनके उपनाम पूछे गए हैं, इनकी किस जिले से संबंधित रखते हैं, इनके बारे में ऐसा कुछ पूछा गया है। आज चर्चा करते हैं कुछ प्रमुख लोक गायक। चर्चा करते हैं सबसे पहले गौरी देवी। गौरी देवी को उपनाम मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। मरु कोकिला। गौरी देवी का संबंध राजस्थान के पाली जिले से। गौरी देवी का उपनाम मरु कोकिला, मरु कोकिला का संबंध पाली जिले से है। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि राजस्थान की मरु कोकिला कौन है। दोस्तों, गौरी देवी राजस्थान की मरु कोकिला है। आगे बात करते हैं हाजन जिला जिलाई बाई, ये भी राजस्थान की प्रमुख लोक गायक है। हाजन जिला भाई मांड कोकिला के नाम से जाना जाता है। मांड कोकिला, मरु कोकिला गौरी देवी, मांड कोकिला हाजन जिला जिलाई भाई। दोस्तों, ये बीकानेर के गंगा सिंह जी जो राजा थे उनके राजभाई हाजन जिला जिलाई भाई बीकानेर के गंगा सिंह जी, गंगा सिंह की राज गायिका थी। बीकानेर के गंगा सिंह जी की राज गायिका थी। सन 2008 में इनपे ₹500 का डाक टिकट जारी किया गया। सन 2008 में हाजन जिला जिलाई बाई में मांड गायिका पे सन 2008 में ₹500 का डाक टिकट जारी किया गया। आगे बात करते हैं दोस्तों रुकमा बाई मांगड़िया। रुकमा बाई मांगड़िया का भी राजस्थान की लोक गायकों में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रुकमा बाई मांगड़िया, दोस्तों रुकमा बाई मांगड़िया जो धार की लता के नाम से जाना जाता है, इनका नाम उपनाम था धार की लता। इनका संबंध राजस्थान के बाड़मेर जिले से। रुकमाबाई मांगड़िया धार की लता के उपनाम से जाना जाता है। इनका संबंध राजस्थान के बाड़मेर जिले से। इसके बाद में राजस्थान की अगले फेमस लोक गायिका है, उनका नाम है, आप सब जानते हैं, सब परिचित हैं, सीमा मिश्रा, जिनकी आवाज ही मिश्री के समान है, बहुत मीठी है। सीमा मिश्रा राजस्थानी लोक गायकी में काफी वर्चस्व रखती है। राजस्थानी गीतों में खूब बड़ा योगदान है। कई प्रकार के सीमा मिश्रा के गाने चलते हैं। सीमा मिश्रा का संबंध रतनगढ़ चूरू से है, राजस्थान के रतनगढ़ चूरू जिले से है। इनको दोस्तों राजस्थान की लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की लता मंगेशकर सीमा मिश्रा को कहा जाता है। अगली बात करते हैं राजस्थान की लोक गायिका की रेशमा।
विश्वनाथ जो राजस्थान की रतनगढ़ चोरू से ही संबंधित किए हैं, रतनगढ़ चोरू जिले से ही इनका संबंध है। ये थार की कोकिला के नाम से जानी जाती है, इनको भी थार की कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगली बात करते हैं मेहंदी हसन। आप सब परिचित हैं मेहंदी हसन से, ये भी राजस्थान के प्रमुख लोक गायकों में आते हैं। मेहंदी हसन का संबंध झुंझुनू जिले से है। झुंझुनू जिले से है मेहंदी हसन। भी राजस्थान के लोक गायकों में काफी बड़ा योगदान रखते हैं, जो इनको गजल का करिश्मा, गजल का करिश्मा के उपनाम से जाना जाता है। मेहंदी हसन को गजल का करिश्मा के उपनाम से जाना जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है गजल का करिश्मा कौन है, मेहंदी हसन। आगे बात करते हैं जगजीत सिंह। जगजीत सिंह काफी बॉलीवुड फिल्मों में अपने गीत गा चुके हैं। राजस्थान के जगजीत सिंह, दोस्तों जगजीत सिंह के बारे में चर्चा करें। जगजीत सिंह गजल की मखमली आवाज के नाम से जाने जाते हैं। जगजीत सिंह गजल की मखमली आवाज, यानी बहुत सुरीली मीठी आवाज, गजल की मखमली आवाज। अगले बात करते हैं अपन भारत व्यास। भारत व्यास जी का संबंध राजस्थान के चूरू जिले से। आगे बात करते हैं अपन मांगी बाई। मांगी बाई का संबंध प्रतापगढ़ जिले से। और इसके बाद में एक लोक गायक प्रमुख और है इला अरुण। इला अरुण का संबंध राजस्थान के जयपुर में। दोस्तों ये राजस्थान के प्रमुख लोक गायक थे, कई बार परीक्षाओं में इनके बारे में पूछा जाता है। हो सकता है आगे भी बहुत से इनके बारे में पूछा जाए। आपके लिए आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।